हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल दी दाइप हम देख लेते हैं आपके लिए लव रीडिंग जो होने वाली है वन ऑफ मार्च टू टेंथ ऑफ मार्च सो इन दस दिनों में आपकी क्या फीलिंग्स रहने वाली है क्या आपके पर्सन की फीलिंग्स रहने वाली है हम ये सब देखेंगे ओके सो गाइज ये एक जनरल रीडिंग है सभी के साथ रेजोनेट हो जरूरी नहीं है सो अपनी सिचुएशन में से ज़बरदस्ती फिट ना करो अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताएं सो गाइज अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं सो so आप मुझे ई कर सकते हैं मेरा ई मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ओके सो आई एम स्टार्ट करते हैं सो so हम देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि अगर आपकी सन मून राइजिंग एक्वेरियस है यानी कि कुंभ राशि है सो ये रीडिंग आपके लिए जरूर देखिए एंड अगर आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताए ओके सो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि Knight of Cups, Ten of Pentacles, Queen of Pentacles, Knight of Wands Eight of Pentacles, Four of Pentacles, The Chariot, Knight of Pentacles, Outcome hai Guys, Four of Sword, and Guidance has Seven of Wands Okay. सो so, आपके पर्सन गाइस बहुत ज़्यादा बिजी रहते हुए दिखाई दे रहे हो कि अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं एंड जिस वजह से वो आपको टाइम भी नहीं दे पा रहे ओके okay? बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपने पास्ट में कुछ ऐसी मिस्टेक की है जिसकी जिसका अब आप आपको रिगरेट है ओके okay? एंड आप उन सब चीज़ों को भुलाना चाहते हो एंड आप इस वक्त अपने रिलेशनशिप को बैलेंस्ड में लाना चाहते हो बिकॉज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने पास्ट में अपने पर्सन को चीट किया था ओके okay? जिस वजह से भी आप अब अपने आप को सुधारते हुए दिखाई दे रहे हो अपने आप में चेंज लाते हुए दिखाई दे रहे होके सो इन दस दिनों में आप आपके पर्सन को आपके अंदर एक न्यू चेंज दिखाई देगा एंड यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने पर्सन को प्रपोज भी करो या फिर किस तरह का कमिटमेंट ऑफर करो ओके okay? सो so आपकी तरफ से यहाँ पर अपने आपके पर्सन को एक बहुत अच्छा कमिटमेंट मिल सकता है या फिर आप दोनों का आप अपने पर्सन को प्रपोज कर सकते हो ओके सो यहाँ पर स्ट्रांग चांसेस है कि इन दस दिनों में आप अपने पर्सन को किस तरह का प्रपोजल दे सक दे, दे दो ओके okay? एंड आपके पर्सन इन दस दिनों में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हुए दिखाई देंगे एंड हो सकता है कि आपके पर्सन आपको टाइम भी ना दे बट गाइज आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा ज़्या सेटिस्फाइड हो एंड आप बहुत ज़्यादा ज़्या खुश हो बट यहाँ पर पास्ट में आपने कुछ ऐसी गलती की थी और आपके पर्सन ने आपको सॉरी uh, एंड आपको फगेट भी किया बट यहाँ पर आपको उस चीज़ का गिल्ट है ओके okay, जिस जिस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वो उस चीज़ का आपको रिग्रेट है एंड इस सब वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस लाते हुए दिखाई दे रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्परिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो ओके एंड इस वजह से भी हो सकता है कि आप अपने आप को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे हो एंड सेलिब्रेट कर रहे हो सो so आपकी जो एनर्जी रहेगी इन दस दिनों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगी एंड कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट में जो आपने गलती की थी उसका आपको रिग्रेट होगा ओके एंड यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हो अपने काम में जिस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा

एंड यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है सो so, हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करो ओके okay? या फिर आप अपने पर्सन की तरफ ट्रैवल कर सको ओके okay? बिकॉज यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है एंड ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है सो यहाँ पर हम आउटकम देख लेते हैं सेवन ऑफ स्वाड सो गाइज अगर आपने सो so, गाइज़ आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो आउटकम है गाइज़ कि आपके रिलेशनशिप को इसी तरह से बैलेंस बनाकर रख रखने की जरूरत है ओके okay, अगर आपके माइंड में या आपके पर्सन के माइंड में ज़रा भी चीटिंग आती है तो आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है या आप दोनों के बीच में बैलेंस बिगड़ सकता है ओके एंड आपको इस वक्त तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर चीटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है हो सकता है कि आपकी तरफ से चीटिंग हो या फिर आपके पर्सन किसी तरह से आपको चीट करे ओके सो यहाँ पर हो सकता है कि इन दस दिनों में आप कि आपको किसी तरह से बिट्रेल फील हो अपने पर्सन की तरफ से ओके okay? जिस वजह से आप थोड़े से हर्ट भी हो सकते हो सो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इस चीज को ओके ओके गाइज बाय